गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आज के वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर मैं आपको मीशो वेडिंग वेयर दिखाने वाली हूँ। कुछ जो कुर्तीज़ हैं वो ऑफिस वेयर भी हैं। सो आज का हॉल बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको 9+ आउटफिट साथ दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी। जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे जल्दी से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसेस लाइफ 2020। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो गाइस, चलो हम जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट आउटफिट जो मैंने परचेज किया है वो है ये मेहंदी ग्रीन कलर में। इस तरीके से देख सकते हो आप, ग्रीन कलर में है ये। एंड इस पर आपको मल्टी कलर में थ्रेड का काम भी मिल जाता है एंड गोल्डन सीक्वेंस का काम इसमें आपको मिल जाता है। जॉर्जेट फैब्रिक में है ये। सो देख सकते हो पूरा ही काम आपको इस पर मिल जाता है। बहुत सुंदर काम किया हुआ है, जॉर्जेट फैब्रिक है। एंड देख सकते हो कितना अच्छा सीक्वेंस का काम किया हुआ है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। बैक साइड से इस तरीके से ये पूरा ही प्लेन है। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से फुल स्लीव्स मिल जाते हैं, स्लीव्स के ऊपर भी आपको प्रॉपर काम मिल जाता है इस तरीके से। सो ये है इसकी कुर्ती विद लाइनिंग है। एंड इसके साथ आपको मिल जाता है बहुत सुंदर नेट का दुपट्टा। दुपट्टा आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिल जाता है। दुपट्टे के कॉर्नर्स पे काम है एंड दुपट्टे की लेंथ विड्थ दोनों ही बहुत अच्छी है। सो इस तरीके से आपको ये मिल जाता है। सो ये है दुपट्टा, बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है इसके साथ। एंड यहाँ पे आपको ना बॉटम में आपको स्ट्रेट पैंट इस तरीके से मिल जाती है, प्लेन मिलती है। यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन है, बॉटल ग्रीन कलर में आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको यहाँ पे पैंट मिल जाती है। देख सकते हो इस तरीके से, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है क्योंकि लाइनिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो ये था फर्स्ट आउटफिट। सेकेंड मैंने परचेज किया है यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा गाउन। सो गाउन आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन गाउन है, बट इसका कलर एंड जो इसके ऊपर श्रग दी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपको मिल जाता है बहुत ही सुंदर सा लाइट पिंक कलर में एंड प्लेन है ये बिल्कुल इस तरीके से अनारकली। इस तरीके से आपको ये मिल जाता है गाउन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे क्लियर के साथ ये गाउन है। इसमें बहुत ही सुंदर लाइनिंग भी दी हुई है, बहुत कंफर्टेबल भी है एंड इसका जो जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे स्लीव्स देख सकते हो, इस तरीके से आपको स्लीव्स मिल जाती हैं एंड इस तरीके के जो प्लेन गाउन होते हैं उसके साथ आप डिफरेंट कलर के श्रग को भी ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसके साथ श्रग भी बहुत सुंदर दी हुई है। सो देख सकते हो इस तरीके से नेट की श्रग यहाँ पे आपको मिल जाती है। इस पर थ्रेड का काम है, फुल इसमें स्लीव्स आपको मिल जाती हैं। सो इस तरीके से आपको ये गाउन मिल जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेयर है गाउन का। नेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थ्रेड का काम काफ़ी अच्छा किया हुआ है एंड इस श्रग को आप किसी और ड्रेस के साथ भी ट्राई कर सकते हो। इसलिए भी मैंने इसको परचेज किया था। एंड इसके साथ आपको बॉटम में स्ट्रेट पैंट मिल जाते हैं इस तरीके से पिंक कलर में ही। ये है पूरा आउटफिट, बहुत सुंदर है। आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। सबका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। लास्ट वाली वीडियो में क्या हुआ था, लोग कमेंट कर रहे थे कि लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक थे सबके। बट फिर भी अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो ये था सेकेंड आउटफिट। थर्ड मैंने यहाँ पे परचेज किया है वाइट कलर में। पूरा ही वाइट कलर, वाइट एंड गोल्डन का काम है। वाइट एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। सो इस तरीके से देख सकते हो वाइट कलर की जॉर्जेट फैब्रिक में ही आपको कुर्ती मिल जाती है इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको कटवर्क में गोल्डन जरी का काम मिल जाता है इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो आपको स्लीव्स मिल जाती है, नेक पे भी बहुत सुंदर काम किया हुआ है। एंड यहाँ पे जो आपको स्लीव्स मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर जरी का काम मिल रहा है एंड अम्ब्रेला स्लीव्स मिल जाती हैं इसमें आपको। एंड बैक साइड से ये पूरा ही प्लेन है एंड लाइनिंग के साथ है ये। इसके साथ आपको दुपट्टा मिल जाता है, दुपट्टे पर भी पूरा कटवर्क का काम है इस तरीके से एंड जॉर्जेट फैब्रिक में दुपट्टा है। दुपट्टे कॉर्नर्स पे आपको पूरा काम मिल जाता है जरी का इस तरीके से देख सकते हो। सो ये इसका दुपट्टा है एंड इसके साथ नीचे आपको शरारा मिल जाता है। यहाँ पे आपको शरारा मिल जाता है, गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है, जॉर्जेट फैब्रिक में शरारा है विद लाइनिंग है एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको काम मिल जाता है। बाकी मैं ट्राई ऑन में पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है। सो नीचे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको गोल्डन
काम मिल जाता है। सो बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये भी। अगर कुछ लोगों को व्हाइट कलर नहीं पसंद होता तो उसके साथ मैंने गोल्डन झुमके पहने थे, ये वाले पहने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। सो ये वाला आउटफिट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने अभी पहना हुआ है ना, एग्जैक्टली मैंने दो ऐसे ऑर्डर कर लिए, बट कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज पैटर्न डिजाइन सब कुछ सेम है, तो नेक्स्ट मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट मैंने जो ये भी पहना हुआ है, इससे ही डिफरेंट कलर है थोड़ा सा, वो मैंने परचेज किया है। सो मैं दोनों का ट्राई ऑन आपको दिखा दूंगी। सो ये है कुर्ती, जैसे इसके सेंटर में येलो है तो इसके सेंटर में आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा, इसके सेंटर में येलो है तो इसमें आपको डील ब्लू कलर मिल जाएगा, एंड येलो के कॉम्बिनेशन में है। सो इस तरीके से आपको ये कुर्ती मिल जाती है, पूरे हैवी वर्क में है ये, एंड नीचे की तरफ इस तरीके से आपको लटकन मिल जाते हैं। सो इस तरीके से ये हैवी कुर्ती, ये आप समर्स की वेडिंग में पहन सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है इसका फैब्रिक, मतलब आपको गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी इसमें, एंड ये लाइनिंग के साथ है। सो बैक साइड से इस तरीके से आपको प्लेन मिल जाता है, एंड स्लीव्स इसमें आपको मिल जाती हैं, इस तरीके से देख सकते हो स्लीव्स हैं, बहुत ही सुंदर है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड काफ़ी बजट में भी है। अगर आप वेडिंग आउटफिट कोई भी परचेज करते हैं बाहर, तो 3-4 हज़ार से कम आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बट मीशो पे आपको 2000 तक के रेंज में बहुत सुंदर सुंदर आउटफिट्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे ये आपको इसके साथ मिल जाता है बॉटम के नीचे, यहाँ पे आपको इस तरीके से लेस मिल जाती है, लाइनिंग के साथ है ये, एंड ऊपर आपको इस तरीके से इलास्टिक मिल जाती है। सो ये इसका बॉटम है, एंड जो इसका दुपट्टा है वो है इस तरीके से टील ब्लू कलर में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर टील ब्लू कलर है, एंड जो इसका दुपट्टा है वो ज़्यादातर येलो कलर में है। सो कॉर्नर्स पे इस तरीके से आपको काम मिल जाता है, बहुत सुंदर है दुपट्टा, ये देखो इस तरीके से है ये दुपट्टा, बहुत सुंदर काम है, बहुत हैवी काम किया हुआ है। सो अगर आपको इस तरीके के आउटफिट पसंद हैं जिसपे थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक आए, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऑफिस के लिए परचेज किया है, बिल्कुल लाइट वेट है, एंड जो इसका जॉर्जेट फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको ये मिल जाती है कुर्ती, व्हाइट कलर का थ्रेड का काम है, एंड इसमें मैंने साइज एल परचेज किया है। मोस्टली जो मैंने ड्रेसेस दिखाई हैं आज की वीडियो में, कुछ एम साइज में और या फिर एल साइज में ही मैंने ऑर्डर किया है। सो इस तरीके से आपको मिल जाता है, इस पर पूरा थ्रेड का काम, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कॉम्बिनेशन, देख सकते हो इस तरीके से आपको व्हाइट कलर का थ्रेड का काम मिल जाता है, जॉर्जेट फैब्रिक में है ये, एंड बैक साइड से आपको इस तरीके से पूरा ही प्लेन मिल जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो आपको स्लीव्स मिलती हैं उस पे भी बहुत सुंदर थ्रेड का काम किया हुआ है। सो इस तरीके से आपको स्लीव्स मिल जाते हैं, कुर्ती बहुत सुंदर लग रही थी, एंड इसके साथ जो आपको दुपट्टा मिलता है ना उस पे भी बहुत सुंदर थ्रेड का काम किया हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत सुंदर थ्रेड का काम किया हुआ है, ये देखो नेट का दुपट्टा है ये, एंड इस पर आपको पूरा थ्रेड का काम मिल जाता है, एंड इसके नीचे आपको मिल जाता है जॉर्जेट फैब्रिक में स्ट्रेट पैंट इस तरीके से। सो आप इसका फैब्रिक देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, एंड ये लाइनिंग के साथ मिलता है आपको बॉटम इसका, एंड इस तरीके से देख सकते हो इलास्टिक है। सो काफ़ी कंफर्टेबल भी लगा मुझे पहनने के बाद। सो समर्स में आप इसको ऑफिस में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अगेन व्हाइट कलर में परचेज किया है, सो देख सकते हो इस तरीके से है ये कुर्ती, व्हाइट एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है, इस तरीके से देख सकते हो बहुत सुंदर पिंक कलर का काम है, एंड ये आपको मिल जाती है इस तरीके से कुर्ती, नेक पे बहुत सुंदर काम किया हुआ है जरी का थ्रेड का, एंड यहाँ पे नीचे देख सकते हो नीचे भी बहुत सुंदर आपको व्हाइट थ्रेड का काम मिल जाता है, सीक्वेंस का काम भी इसके ऊपर किया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से स्लीव्स मिल जाती हैं, कटवर्क के साथ है ये स्लीव्स, एंड बैक साइड से आपको कुछ इस तरीके से ये पूरा ही प्लेन मिल जाता है, जॉर्जेट फैब्रिक में है ये, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है ये, एंड इसके साथ दुपट्टा भी बहुत सुंदर दिया हुआ है पिंक कलर का। सो ये है इसका दुपट्टा, ये देख सकते हो आप कटवर्क के साथ दुपट्टा है, बहुत सुंदर काम किया हुआ है, जॉर्जेट फैब्रिक में है ये, जॉर्जेट फैब्रिक में ये दुपट्टा है, बहुत सुंदर काम किया हुआ है, काफ़ी अच्छी लेंथ एंड विड्थ में है ये दुपट्टा, बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है ये, एंड इसके साथ जो आपको बॉटम मिलता है वो भी बहुत सुंदर है, देख सकते हो इस तरीके से वाइट कलर की ये पैंट मिल जाती है, एंड देख सकते हो नीचे की तरफ बहुत सुंदर पिंक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है ये, बहुत सुंदर लग रहा है ये, वाइट थ्रेड का काम इस पर किया हुआ है, एंड कट वर्क के साथ है ये, सो बहुत सुंदर है ये भी।
सो ये भी आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक और गाउन रह गया, गाउन दो आउटफिट अभी और रहते हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट मैंने अगेन व्हाइट कलर का ही परचेज किया है। आज की वीडियो में बहुत सारी व्हाइट आउटफिट हो गई है। सो ये है बहुत सुंदर गाउन, देख सकते हो बहुत ही सुंदर व्हाइट एंड गोल्डन का काम है इसके ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा है ये गाउन। एंड इस तरीके से देख सकते हो आपको ये मिल जाता है कुछ अनारकली टाइप में, इस तरीके से गाउन है ये, काफ़ी अच्छे फ्लेयर में है। एंड नीचे आप देख सकते हो कितना सुंदर काम किया हुआ है इसके ऊपर, बहुत सुंदर काम। एंड पर्पल कलर की इसमें आपको लाइनिंग मिल पाइपिंग मिल जाती है। एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छे फ्लेयर में है। सो कुछ इस तरीके से है ये गाउन, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड इसके पीछे भी आपको बैक साइड पर भी बहुत सुंदर काम मिल जाता है, देख सकते हो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि फ्रंट में ही काम है, बैक साइड पे भी बहुत सुंदर काम किया हुआ है। एंड पूरे घेर पे आपको इस तरीके से ये सीक्वेंस का काम एंड जरी का काम मिल जाता है, बहुत ही अच्छे फ्लेयर में है, विद लाइनिंग है। एंड फ्रंट में इस तरीके से आपको ही मिल जाती है प्लेट्स, इस तरीके से देख सकते हो, बहुत सुंदर गाउन है ये, फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इसके नीचे ना आपको प्लेन इसके नीचे आपको बॉटम मिल जाती है, बिल्कुल प्लेन है, जॉर्जेट फैब्रिक में स्ट्रेट पैंट है, तो अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं, बट गाउन है तो मैंने तो इसके नीचे नहीं पहना था। एंड इसके साथ आपको बहुत सुंदर इस तरीके से मिल जाता है दुपट्टा, तो इस तरीके के दुपट्टे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। एंड इतना सुंदर लग रहा था ना ये इसके साथ, ये देख सकते हो कटवर्क का काम है इसके ऊपर। एंड इस तरीके से पूरे दुपट्टे पर आपको बहुत सुंदर काम मिल जाता है, सो देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये। सो बहुत ही सुंदर दुपट्टा है ये, आप चाहें तो इस दुपट्टे को किसी और के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर दुपट्टा है ये। एंड नेक्स्ट जो आउटफिट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट है। हम जब भी इस तरीके के आउटफिट्स हम देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, तो मैं कभी इस तरीके की परचेज नहीं करती थी, बट इस बार मैंने ट्राई की एंड सीरियसली बहुत सुंदर लग रही थी ये। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पर्पल कलर की, डार्क पर्पल कलर की, आप देख सकते हो इस तरीके से ना आपको ये टॉप के साथ शरारा मिल जाता है, लूज प्लाजो मिल जाता है इसमें नीचे। सो इस तरीके से आपको ये स्ट्रैपीज के साथ मिलता है। एंड यहाँ पे इस तरीके से आपको थ्रेड का काम मिल जाता है, प्लस सीक्वेंस का काम मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन मिल जाता है, ये डिज़ाइन इस तरीके से ओपन है यहाँ तक, बट इसके साथ आपको बेल्ट मिलती है, जो कि आप बेल्ट लगाएंगे ट्राई ऑन में, मैं आपको दिखाऊंगी पहन के, तो उससे क्या है ये कट, बिल्कुल कट जो है वो बंद हो जाएगा एंड बहुत सुंदर सा डिज़ाइन आएगा। सो इस तरीके से है ये, अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा। एंड बैक साइड भी बहुत सुंदर काम किया हुआ है। एंड इसमें आपको पैड मिल जाते हैं, पैडेड है ये, एंड यहाँ तक आपको लाइनिंग भी मिल जाती है। सो ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, इसके नीचे आपको लूज जो है वो प्लाजो मिल जाता है, इस तरीके से बिल्कुल प्लेन है, जॉर्जेट फैब्रिक में है, कोई काम नहीं है इसके ऊपर, एंड बस प्लेन है। एंड इसमें लाइनिंग मिलती है आपको पूरी, सो बहुत ही अच्छा है ये भी। एंड इसके साथ जो आपको दुपट्टा मिलता है वो भी डिज़ाइनर दुपट्टा है, इस तरीके से आपको काम मिल जाता है इसके ऊपर, ये नेक पे आएगा एंड ये इस तरीके से प्लेन है इस तरफ से। सो बहुत ही सुंदर दुपट्टा है ये, मुझे ये ना परचेज करते हुए लग रहा था कि पता नहीं यार पहन के कैसा लगेगा, बट पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था। एंड इसके साथ ना आपको ये बेल्ट भी मिल जाती है, सो इस तरीके से ये बेल्ट है इसके साथ, तो आप इस बेल्ट को किसी और ड्रेस के साथ भी, अगर आपके पास कोई इस कलर की ड्रेस है तो उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा आज की वीडियो में। सो गाइज ये था आज का हॉल, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।